नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं तो आज हम बनाएंगे रमदाना के लड्डू अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो रमदाना का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम 200 ग्राम रमदाना लिए हैं अपने घर का रमदाना है तो इसे हम भून कर लिए हैं आपके पास अगर रमदाना ना हो तो मार्केट में बहुत आसानी से भुना हुआ रमदाना मिल जाता है तो यहाँ पर हम एक कटोरी गुड़ लिए हैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं इस तरीके से काट कर लेने से गुड़ जल्दी गल जाता है आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं लेकिन गलने में थोड़ा टाइम लगता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाही लिए हैं इसी में हम चाशनी बनाएंगे तो सबसे पहले हम दो चम्मच देसी घी डाल रहे हैं इससे हमारा गुड़ जलेगा नहीं तो इसी में हम गुड़ को डाल देते हैं और, और अच्छे से मिक्स कर देंगे गुड़ को और गुड़ जले नहीं इसके लिए हम एक से दो चम्मच के करीब पानी डालेंगे कि गुड़ हमारा जलेगा नहीं और गुड़ जल्दी गल जाएगा तो इसको मेल्ट करते हुए हम पकाएंगे इसी तरीके से मिक्स करते हुए तो देखिए गुड़ हमारा गलना स्टार्ट हो चुका है तो इसी तरह से चलाते हुए हमको पकाना है लगातार तो हम इसे लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक अच्छे से पका लिए हैं और मेरा चाशनी इस तरीके से बन कर के तैयार हुआ है तो इसे हम चेक कर लेते हैं तो ये अभी नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो फिर से हम चेक कर लेते हैं तो और देख सकते हैं मेरा चाशनी तार बन रहा है तो इसका मतलब हो गया है तो यहीं पर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं इससे लड्डू हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनकर के तैयार होगा तो यहीं पर हम अब रमदाना को भून कर लिए हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे एक काम जल्दीबाजी करना होता है नहीं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो इसे हमें जल्दी जल्दी करना होता है तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है देख सकते हैं कितना अच्छा मिक्स हो चुका है तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगा लिए हैं और थोड़ा सा मिश्रण उठा करके इस तरीके से हम लड्डू बना कर के तैयार किए हैं आप चाहे जितना छोटा बड़ा रख सकते हैं तो बाक़ी का लड्डू हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे तो मेरा सारा लड्डू बन कर के तैयार हो चुका है देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना परफेक्ट लड्डू बन कर के तैयार हुआ है तो आप इसे मकर संक्रांति पर ज़रूर बनाइएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलती हूँ फिर से एक नए रेसिपी के